Hello my dear students, in this video I am going to tell you important notes and question answer of chapter 4 Landscape of the Soul, Nathalie Trevoy of class 11th. So we'll start with notes students. First word is tale. Tale means story. Second, who is Wu Daozi, painter of 8th century? इंपॉर्टेंट डिबेट है, एमसीक्यू में आ सकता है, वन वर्ड में आ सकता है. वु डाउजी कौन था? पेंटर ऑफ 8th सेंचुरी. डिसिपल का मतलब शिष्य. हु वॉज क्विंटन मेसिस, ब्लैक स्मिथ ऑफ 15th सेंचुरी? 15th सेंचुरी का एक लुहार था. स्नीक, गो सीक्रेटली, चुपके से कहीं आना जाना. इल्यूजनिस्टिक, भ्रम में डालने वाली. जो वेस्टर्न पेंटिंग्स थी बेटा वो इल्यूजनिस्टिक थी, वो भ्रम में डालने वाली होती थी. वट इज डायो, डी ए ओ, डायो क्या होता है? इट मीन्स पाथ, रास्ता और मेथड. डायो का मतलब होता है पाथ और मेथड, रास्ता और तरीका. नेक्स्ट इज व्हाट इज सेंसुई. सेंसुई मीन्स माउंटेन वाटर एंड व्हेन वी टुगेदर टेक इट, इट मीन्स लैंडस्केप. व्हाट इज यांग. यांग मीन्स माउंटेन. व्हाट इज यिन. यिन मीन्स वाटर. व्हाट इज असेंशियल, मिडिल वॉइड. ना यैन इतना इम्पॉर्टेंट है, ना यिन इतना इम्पॉर्टेंट है, ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है मिडिल वॉइड. और मिडिल वॉइड क्या होता है? चाइनीज़ पेंटिंग में जो वाइट बेस होता है पीछे, उसे मिडिल वॉइड कहते हैं. और मिडिल वॉइड इतना एसेंशियल है, यहीं पर इंट्रैक्शन होता है माउंटेन का और वाटर का, या कहिए यैन का या यिन का. हु इज़ द आई ऑफ द लैंडस्केप. लैंडस्केप की आई कौन है? ह्यूमन बींग या मैन. ह्यूमन बींग या मैन. Who started Art Brut? Art Brut किसने स्टार्ट किया? French painter Jean Defeu. French painter Jean Defeu. An untutored genius who created Paradise in Chandigarh. कौन है बेटा? नेक चंद. और पैराडाइज कौन है उसका? रॉक गार्डन चंडीगढ़. चंडीगढ़ में जो रॉक गार्डन है वो नेक चंद ने बनाया था. और नेक चंद को हम untutored genius क्यों कहते हैं, ये मैं आगे आपको क्वेश्चन आंसर में बताती हूँ. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा. हु वॉज वु डाउजी एंड वट हैपन टू हिम. वु डाउजी एक पेंटर था 8th सेंचुरी का. जब वो अपनी पेंटिंग दिखा रहा था राजा जुआन जोंग को, तो उसने एक पेंटिंग में एक केव दिखाई, गुफा दिखाई, और उसने कहा कि राजा जी जो ये पेंटिंग है, ये जो कला है, ये बहुत अच्छी है. गुफा के अंदर अगर आप चलोगे तो और भी अच्छा आपको नज़ारा देखने को मिलेगा. और इस तरीके से ये जो वु डाउजी है ये पेंटिंग के अंदर चला गया, और उसके बाद जो गुफा है वो बंद हो गई थी और पेंटिंग दीवार से गायब. सो ये आप आंसर लिखिएगा या इसको समझिए, कैसे भी आ सकता है. वाई डिड नॉट अ पेंटर ड्रॉ द आई ऑफ अ ड्रैगन. एक पेंटर ने ड्रैगन की आई क्यों नहीं बनाई? उस पेंटर को ये डर था कि जब वो आई बना देगा तो ड्रैगन रियल हो जाएगा और वहाँ से उड़ जाएगा. यही सोचकर उसने पेंटर ड्रैगन की आई नहीं बनाई. द पेंटर डिड नॉट ड्रॉ द आई बिकॉज ही वॉज अफ्रेड दैट आफ्टर ड्रॉइंग द आई द ड्रैगन वुड फ्लाई. शॉर्ट क्वेश्चन आंसर करवा रही हूँ बेटा मैं आपको. हु वॉज क्विंटन मेसिस और उसकी शादी एक पेंटर्स की डॉटर से कैसे हुई? क्विंटन मेसिस एक लुहार था 15th सेंचुरी का, और उसको एक पेंटर की डॉटर से प्यार हो गया. लेकिन जब पेंटर को पता चला कि ये तो लुहार है, उसने अपनी बेटी की उससे शादी करने से मना कर दिया. एक दिन क्विंटी चुपचाप से उस पेंटर के स्टूडियो में गया, और वो जो पेंटिंग बना रहा था उस पेंटिंग के ऊपर जाके उसने एक छोटी सी मक्खी बनाई. और जब पेंटर वापस आया तो उसने उस मक्खी को उड़ाने की कोशिश की, क्योंकि वो मक्खी इतनी रियल लग रही थी. बाद में उसको रियलाइज़ हुआ कि जिसने ये मक्खी बनाई वो कितना महान है, और उसके बाद वो एग्री हो गया. उसने क्विंटन मेसिस को अपना शिष्य बनाया और अपनी बेटे की शादी भी उससे की. सो क्विंटन मेसिस वॉज अ ब्लैक स्मिथ ऑफ 15th सेंचुरी. ही फेल इन लव विद पेंटर्स डॉटर, बट पेंटर डिड नॉट वॉन्ट ब्लैक स्मिथ टू बी हिज सन इन लॉ. वन डे क्विंटन एंटर पेंटर स्टूडियो एंड ड्रू a fly on his latest panel. The painter thought it to be real and tried to sweat it, but surprisingly it was drawn. Later he married his daughter to Quentin Messis. So इस प्रकार आप इसको समझिए. उसके बाद क्विंटन मेसिस अपने समय का एक बहुत फेमस पेंटर बना. हमें चाइनीज़ पेंटिंग और यूरोपियन पेंटिंग के बीच में अंतर बताना है, कॉन्ट्रास्ट बताना है. सो बेटा हम इस तरीके से लेंगे. चाइनीज़ पेंटिंग आर बेस्ड ऑन इमेजिनेटिव इनर एंड स्पिरिचुअल अप्रोच, बट द यूरोपियन पेंटिंग्स रिप्रोड्यूस एन एक्चुअल व्यू ऑफ रियल ऑब्जेक्ट. यूरोपियन पेंटिंग हैव इल्यूनिस्टिक लाइकनेस, वेयर एज चाइनीज पेंटिंग्स आर लैंडस्केप ऑफ सोल. द पेंटिंग्स ऑफ डू
वू डाउजी चाइनीज एंड पेंटिंग्स ऑफ क्विंटन मेसीज यूरोप शो दैट डिफरेंस. हम यहाँ बताना चाहते हैं कि जो चाइनीज पेंटिंग है वो इमेजिनेटिव है, वो हमारे अंतरात्मा को छूती है, लेकिन जो यूरोपियन पेंटिंग है वो हकीकत में जो चीज़ है उसका बिल्कुल वैसा ही वो चीज़ बनाते हैं और बिल्कुल रियल उसका व्यू बनाते हैं. यूरोपियन पेंटिंग में समानता दिखती है, वो जिस चीज़ को बनाते हैं बहुत ज़्यादा समानता दिखती है, लेकिन चाइनीज पेंटिंग जो होती हैं वो हमारी आत्मा को छू जाती हैं. और इसका एग्जांपल है वू डाउजी जो चाइनीज पेंटिंग बनाते थे चाइना, एंड जो क्विंटन मेसीज हैं वो यूरोपियन पेंटिंग बनाते थे, वेस्टर्न के एग्जांपल हम कह सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमें सेंसुई को एक्सप्लेन करना है. सेंसुई का लिटरली मतलब होता है माउंटेन वाटर, विच वेन यूज टुगेदर रिप्रेजेंट द वर्ड लैंडस्केप. अगर हम इनको टुगेदर यूज करते हैं तो एक लैंडस्केप हमें दिखता है, लैंडस्केप मतलब होता है. और इट रिफ्लेक्ट द डाइस्ट व्यू ऑफ यूनिवर्स विच इंक्लूड यांग द माउंटेन यिन द वाटर वॉइड द एम्प्टी स्पेस वेयर दीज टू इंट्रैक्ट. सो साइंस वी का मतलब होता है माउंटेन वाटर. अगर हम दोनों इकट्ठा लेके चलते हैं तो हमें वर्ड लैंडस्केप मिलता है. और डाइस्ट पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो यूनिवर्स किस चीज़ से बना हुआ है, यांग से बना हुआ है जो माउंटेन है, यिन से बना हुआ है जो वाटर है, और बीच में वॉइड है, एम्प्टी स्पेस है जहाँ पर माउंटेन और वाटर का इंट्रैक्शन होता है. व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय टर्म आउटसाइडर आर्ट एंड आर्ट ब्रूट. क्या मतलब होता है आउटसाइडर आर्ट का या आर्ट ब्रूट का. आउटसाइड आर्ट इज़ एन आर्ट क्रिएटेड बाय दोज आर्टिस्ट हु रिसीव्ड नो फॉर्मल ट्रेनिंग येट दे सॉ आर्टिस्टिक टैलेंट एंड इनसाइट. आउटसाइड आर्ट बेटा हम उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने आर्ट की कोई शिक्षा दीक्षा नहीं ली, उन्होंने आर्ट के क्षेत्र में कोई डिग्री हासिल नहीं किया, कोई डिप्लोमा हासिल नहीं किया, फिर भी उनके अंदर आर्टिस्टिक टैलेंट है, फिर भी उनके अंदर कला के लिए प्यार है और बहुत अच्छा कला का उन्होंने प्रदर्शन किया है. आर्ट ब्रूट क्या होता है. आर्ट ब्रूट एक ऐसा आर्ट है बेटा जिसमें हम रॉ मटेरियल्स को यूज़ करते हैं और जिस देश में वो रॉ मटेरियल यूज़ हो रहा है वहाँ की वो सभ्यता संस्कृति को भी दिखाते हैं. और आर्ट ब्रूट में हम काफ़ी सारी चीज़ें लेते हैं बेटा, जैसे टिन, प्लास्टिक. और इसी आर्ट ब्रूट का एग्जाम्पल है नेक चंद द्वारा बनाया गया रॉक गार्डन जो कि चंडीगढ़ में है. एक क्वेश्चन है हमारा स्टूडेंट, हु वॉज अनट्यूटेड जीनियस हु क्रिएटेड अ पैराडाइज एंड व्हाट इज़ द नेचर ऑफ हिज कंट्रीब्यूशन. सो मैंने आपको बताया था अनट्यूटेड जीनियस जो हैं वो हम नेकचंद के लिए यूज़ कर रहे हैं. अनट्यूटेड का मतलब है इन्होंने कोई आर्ट की शिक्षा दीक्षा नहीं ली, इन्होंने कोई इसमें कोई डिग्री डिप्लोमा नहीं किया, फिर भी इन्होंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है रॉक गार्डन बनाकर चंडीगढ़ में. द अनट्यूटेड जीनियस हु क्रिएटेड पैराडाइज वॉज नेकचंद. नेकचंद हैं जिनको हम अनट्यूटेड जीनियस कह रहे हैं. वो 80 साल के थे और वो उन्होंने चंडीगढ़ में रॉक गार्डन बनाया जो कि पूरे वर्ल्ड में फेमस है. रॉक गार्डन जो है बेटा वो चंडीगढ़ में है और वो आउटसाइडर आर्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है. और जो ये रॉक गार्डन बनाया है नेकचंद ने, इसमें काफ़ी सारे रिसाइकल्ड मटेरियल्स उन्होंने यूज़ किए हैं, जैसे टायर, प्लास्टिक की बॉटल्स, टिन, तार, चूड़ियाँ, काफ़ी सारी चीज़ें. सो लास्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स हमारा, एक राजा अपने राज्य में, अपने किंगडम में शासन कर सकता है, लेकिन हकीकत में कला कितनी महत्वपूर्ण है ये एक आर्टिस्ट ही जानता है. हमें इसे एक्सप्लेन करना है. इस सेंटेंस से ये पता चलता है, एक बहुत हकीकत का हमें पता चलता है कि राजा अपने राजमहल में, अपने राज्य में सिंहासन कर सकता है, शासन कर सकता है और अपनी पावर का भी इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन एक आर्टिस्ट ही ये बता सकता है कि कोई पेंटिंग, कोई कला कितनी श्रेष्ठ है. और यूनिवर्स जो है, ये जो ब्रह्मांड है, इसमें इतनी सारे रहस्य हैं, उनका खुलासा एक आर्टिस्ट से बेहतर कोई नहीं कर सकता. और एक आर्ट का क्या हकीकत में मतलब है ये एक आर्टिस्ट ही बता सकता है, चाहे राजा कितना भी पावरफुल क्यों ना हो. दिस सेंटेंस शोज द स्ट्रेंज बट ट्रू फैक्ट दैट द किंग माइट रूल द होल किंगडम एंड हैज़ पावर ओवर इट, बट ओनली एन आर्टिस्ट वुड गो बियॉन्ड मटीरियल अपियरेंस. ही नोज पाथ एंड मेथड ऑफ मिस्टीरियस वर्क ऑफ द यूनिवर्स. ट्रू मीनिंग ऑफ हिज वर्क कैन बी सीन ओनली बाय मीन्स नोन टू हिम, इरेस्पेक्टिव ऑफ हाउ माइटी एंड एम्परर इज. माइटी मीन्स पावरफुल.
सो लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट्स, द लैंडस्केप इज एन इनर वन, अ स्पिरिचुअल वन एंड अ कॉन्सेप्चुअल वन. इसका क्या मतलब, इसे एक्सप्लेन करते हैं. ये जो फ्रेज है ये चाइनीज आर्ट के लिए हमने यूज़ किया है. जो चाइनीज पेंटर हैं वो इतनी अच्छी पेंटिंग बनाते हैं जो जो कि हमारे दिल को छू जाती है. और उस पेंटिंग को, जो चाइनीज़ पेंटिंग होती है बेटा, उसमें हमारा फिजिकल और हमारा मेंटल पार्टिसिपेशन होना चाहिए. मतलब जब हम पेंटिंग को देखते हैं तो हम शारीरिक रूप में भी उस जो पेंटिंग उसमें खो जाते हैं, और मानसिक तौर पे भी हमें वो जो पेंटिंग है बहुत मंत्रमुग्ध करती है. हम उस पेंटिंग को बेटा कहीं से भी देख सकते हैं, ऊपर से नीचे की ओर देखना चाहो या नीचे से ऊपर की देखना की ओर देखना चाहो. ये जो व्यूअर है उसके ऊपर डिपेंड होता है कि वो उस पेंटिंग को कैसे देखना चाहता है. सो जो ये चाइनीज़ पेंटिंग होती हैं ये रियल नहीं होती, और हम इसको किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से देख सकते हैं. थैंक यू स्टूडेंट्स.